गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ईडी ऑनलाइन क्लासेस पर। सभी साथियों को, सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप सभी साथी, सभी दोस्त, सभी भाई अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी साथियों की पढ़ाई लिखाई प्रिपरेशन बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को ज्ञात है, सभी दोस्तों को पता है कि यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं अपना आज का टॉपिक थ्योरी ऑफ मशीन का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस टॉपिक को, थ्योरी ऑफ मशीन लेक्चर नंबर 3। और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गियर्स और गियर ट्रेन के बारे में। गियर्स और गियर ट्रेन से किस तरीके का क्वेश्चन आपसे एसएससी जेईई में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिस्कशन अपना करेंगे। तो एक बार सेशन को सभी साथी जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। सभी साथी जो है आपके पास क्या कर दीजिए, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग जो है वो बात करते हैं, ठीक है। हेलो हेलो, सत्य प्रकाश यादव, हेलो, ठीक है। मिस्टर एबी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सिंपल मैकेनिज्म का चैप्टर ये कर लिया है, ठीक। सिंपल मैकेनिज्म के बाद हमारा क्या हो गया सर, हमने क्या करा है सर, हमने वेलोसिटी एनालिसिस और एक्सेलरेशन एनालिसिस देख लिया है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, गियर एंड गियर ट्रेन को देखने वाले हैं, ठीक है। कल हम लोग गवर्नर को देखेंगे, गवर्नर, फ्लाईव्हील, कैम्स, ठीक है। ये आपके पास कुछ टॉपिक है जो बचे हुए हैं, जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखो भाई, मेरे आपको बताया था कि माउथ में जो है वो प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा, बहुत तेज बोल नहीं पा रहा, ठीक। तो आप थोड़ा सा कंपनसेट कर लेना, थोड़ा सा क्या कर लेना, आप लोग कंपनसेट कर लेना। बाकी क्लास रेगुलर इसलिए है क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, यहाँ पर बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक। देखिए बेटा, गियर ड्राइव यहाँ पर किसके बारे में पूछा, देखो आज आपके क्वेश्चंस की हिंदी बेटा नहीं हो पाई है, ठीक है, क्वेश्चंस की हिंदी जो है बेटा आज आपके नहीं हो पाई है, ठीक। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं आपको सारी चीजें हिंदी में समझा भी दूंगा। आपके पास क्या है सर, मॉड्यूल, मॉड्यूल की बात करेंगे। मॉड्यूल दैट मीन्स आपके पास क्या होता है, मॉड्यूल एम इक्वल्स टू क्या होता है, ये मॉड्यूल आपके पास क्या होता है, ये डिजाइनिंग क्राइटेरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास क्या होता है, पार्ट होता है, ये क्या होता है, एम इक्वल्स टू डी वाई टी, डायमीटर, डायमीटर द नंबर ऑफ टीथ टू द नंबर ऑफ टीथ, डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ आपके पास क्या होता है सर, ये आपके पास मॉड्यूल होता है, ठीक है, मॉड्यूल होता है। मतलब एम इक्वल्स टू क्या होता है, एम इक्वल्स टू होता है डी बाई डी। एसएससी का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर गलती है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक गलती है, ठीक। यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या है, अब बताना किस तरीके से आपके पास ये हो सकता है। अब डायमीटरल पिच की बात करेंगे, किसकी, डायमीटरल पिच, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, वन बाय डायमीटरल पिच, डायमीटरल पिच। तो आपके पास डायमीटरल पिच जो होती है, ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, नंबर ऑफ टीथ अपॉन में क्या, नंबर आपके पास क्या, डायमीटर, नंबर ऑफ टीथ अपॉन में क्या, डायमीटर। और जैसे इसको लिखोगे तो आपके पास क्या सर, टी बाई डी, इस तरीके से लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, डी बाई टी बन जाएगा। बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, बन जाएगा। और डी बाई टी ही आपके पास क्या है सर, मॉड्यूल है, ठीक। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ए आपके पास क्या है, करेक्ट है। उसके बाद देखो क्या सर, वन बाय सर्कुलर पिच, ठीक है, वन बाय, ऑप्शन बी आपके पास क्या कह रहा है, वन बाय पीसी, वन बाय पीसी आपके पास क्या, वन अपॉन में क्या सर, पाई डी वाई टी, पाई डी वाई टी का मतलब आपके पास क्या, वन बाय एम पाई। तो सर आपके पास क्या सर, ये मॉड्यूल के बराबर हो रहा है क्या सर, ये नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी आपके पास गलत है। लेकिन ऑप्शन सी देखो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, सर्कुलर पिच बाई पाई, सर्कुलर पिच बाई पाई। अब सर्कुलर पिच आपको क्या पता है, पाई डी वाई टी इंटू पाई, अब पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना बच गया, डी वाई टी बच गया, डी वाई टी बच गया। तो आपके पास ये भी ऑप्शन क्या है, ये भी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ये भी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या सर, एसएससी ने गलती की, एसएससी ने गलती ये की कि इसमें आपके पास दो ऑप्शन जो है वो सही है, कौन कौन सा, एक तो सबसे पहला वाला और एक आपके पास तीसरा वाला, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या है, एसएससी ने दोनों ऑप्शन क्या है, दोनों ऑप्शन सही दिए हुए हैं, सही आपके पास है, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना था, ये चीज आपको बताना था,
देवेश दास, अभिषेक सर की और शुभम सर की क्लास चल रही है। शुभम सर थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अभिषेक सर की क्लास चल रही है। ठीक है, अभिषेक सर की क्लास कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द साइज ऑफ बियर इज यूजली स्पेसिफाइड बाय, ठीक है, अच्छा मैं कैम फॉलोअर के लिए बोला था, ठीक है, कैम के लिए बोला था क्या, मुझे एक्चुअली याद नहीं रहा, मैं सोचा मैं गियर के लिए बोला हूँ। ठीक है, तो गियर की कंटेंट बन गया है, गियर का कंटेंट बन गया है। अब कैम फॉलोअर मैं कल करा दूंगा, कैम फॉलोअर मैं कल करा दूंगा। एक्चुअली थोड़ा सा हेल्थ इशू है मेरे साथ भी, कि मतलब गले तक जो है वो छाले हैं, ठीक है, बहुत तेज बोल नहीं सकता। अब पेन में वैसे भी जो काम हो गया वो काम हो गया, ठीक है, नहीं तो बस क्या है सोने का मन करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, बस आपकी पढ़ाई ना रुके इस वजह से आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू है। यहाँ पर बात करते हैं साइज ऑफ गियर। साइज ऑफ गियर आपके पास कैसे, आपके पास डिफाइन करते हैं डायमीटर पिच से, प्रेशर एंगल से, सर्कुलर पिच से, या फिर सर्कुलर डायमीटर से। सर आपके पास प्रेशर एंगल क्या 5, डायमीटर पिच आपके पास क्या सर, आपके पास आपको पता है सर आपके पास क्या सर DYD। ठीक, सर्कुलर पिच आपके पास क्या सर पाए DYT। लेकिन आपको पता क्या होता है सर, हम लोग डिफाइन किससे करते हैं, PCD पिच सर्कल डायमीटर से हम लोग क्या करते हैं सर, सर्कुलर पिच को डिफाइन करते हैं। तो सर्कुलर पिच को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो आपके पास किससे डिफाइन करेंगे, सर्कुलर आपके पास क्या सर पिच सर्कल डायमीटर से हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सर्फेस ऑफ द गियर टूथ बिलो द पिच सर्फेस, बिलो द पिच सर्फेस आपके पास क्या बोलते हैं, मतलब आपके पास कुछ गियर टूथ है आपके पास, ये आपके पास क्या है ये। ठीक, या कुछ इस तरीके से आपके पास क्या है, आपके पास गियर। ठीक, आपके पास कुछ इस तरीके से गियर। अब यहां से आपसे पूछा कि पिच सरफेस, ये क्या है आपके पास पिच है, ये आपके पास क्या है पिच है। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्या सर पिच सरफेस से नीचे, ये आपके पास पिच सरफेस है, पिच सरफेस से नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैंक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लैंक। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लैंक, फेस किसको बोलते हैं, फेस इसको बोलते हैं, फेस आपको किसको बोलते हैं, फेस आपको लोग इसको बोलते हैं। ठीक, तो किसको बोलेंगे हम लोग क्या फ्लैंक बोलेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा फ्लैंक आपके पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैंक आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डिडेंडम क्या है आपके पास, रेडियल डिस्टेंस है किसकी सर, आपके पास रेडियल डिस्टेंस किसके किसके बीच की है, पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल और किसके बीच की, आपके पास डिडेंडम सर्कल के बीच की रेडियल डिस्टेंस, अडेंडम सर्कल और आपके पास पिच सर्कल के बीच की रेडियल डिस्टेंस। फेस आपके पास क्या है, जो आपके पास पिच सरफेस है उसके ऊपर वाला जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ स्पर गियर द सर्कल ऑन विच द इनवॉल्यूट इज जनरेटेड, इनवॉल्यूट कहां पर जनरेट करते हैं, इनवॉल्यूट जो है वो कहाँ जनरेट करते हैं, अडेंडम सर्कल पर, पिच सर्कल पर, क्लियरेंस सर्कल पर, की बेस सर्कल पर। इनवॉल्यूट जो आपके पास क्या होते हैं, गियर्स होते हैं, गियर बनाने का एक प्रोफाइल बनाने का क्या होता है मेथड होता है, टूथ बनाने का मेथड होता है, जिसको क्या बोलते हैं सर इनवॉल्यूट, इनवॉल्यूट प्रोफाइल। इनवॉल्यूट प्रोफाइल के लिए आपके पास किस पर हम लोग जनरेट करते हैं, अडेंडम सर्कल पर बनाते हैं, पिच सर्कल पर बनाते हैं, क्लियरेंस सर्कल पर बनाते हैं, या फिर बेस सर्कल पर बनाते हैं। ठीक है, बेस सर्कल पर बनाते हैं। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए। मैं ज्यादा देर सेशन ले नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, ज्यादा तो आज मैं थोड़ी देर सेशन ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर सेशन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं कल आपका कंटिन्यू कर लूंगा। ठीक है, कल मैं आपको क्या करा दूंगा, इस गियर के भी क्वेश्चन कुछ करा दूंगा, और कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे आपको कैमरा फॉलोअर के भी करा दूंगा। ठीक है, दोनों चीजें कल करा दूंगा। आपके पास क्या है, यहाँ पर बात करते तो आपके पास क्या सर, बेस सर्कल। बेस सर्कल पर हम लोग क्या करते हैं, बेस सर्कल पर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, जिनसे हमारे पास क्या है डिफरेंट टेंजेंट्स खींचते हैं, और टेंजेंट को मिलाने वाला जो कर्व बनता है वही आपके पास कौन सा होता है, इनवॉल्यूट
कर्व होता है, क्या होता है इन्वॉल्यूट कर्व आपके पास होता है, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गियर टीथ आर मेड हार्डर टू अवॉइड, गियर टीथ को हार्डर क्यों बनाते हैं, किस चीज से बचने के लिए आपके पास हार्डर बनाते हैं, ग्रेटर कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, एब्रेशन के लिए, या फिर वियर के लिए, किसके लिए हम लोग इसको हार्डर बनाते हैं। इसके लिए हार्डर बनाते हैं, गियर टीथ को हार्डर क्यों बनाते हैं, गियर टीथ को हार्डर क्यों बनाते हैं, गियर टीथ जो है उसको हार्डर हम लोग क्यों बनाते हैं। ठीक है, चलो भाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन बेंडिंग, या फिर आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ, एब्रेशन, या फिर बियर। तो आपके पास बियर से बचने के लिए, ठीक है, बियर को अवॉइड करने के लिए, बियर को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, गियर को हार्डर बनाते हैं, गियर को हार्डर जो है वो बनाते हैं। ठीक है, गियर को कैसा बनाते हैं, हार्डर बनाते हैं। ठीक, इस चीज को आपको क्या रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग क्या रखना बेटा, ध्यान रखना। आपके पास गियर टूथ हार्ड इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आपके पास बियर से बचाना रहता है, बियर से आपको क्या करना रहता है, बचाना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ गियर हैविंग अ 100 टीथ इज अ फिक्स्ड एंड अनदर गियर हैविंग अ 25 टीथ। एक गियर पर आपके पास 100 टीथ हैं, एक पर आपके पास 25 ही हैं। रिवोल्यूट्स अराउंड इट द सेंटर लाइंस ऑफ बोथ गियर्स बीइंग जॉइंड बाय एन आर्म। मतलब आपके पास कुछ एक गियर ये वाला है, ठीक, एक गियर आपके पास कुछ ये वाला है। अब ये दोनों गियर आपके पास क्या है, ये कुछ इस तरीके से इसको सेंटर लाइन से आपने क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, सेंटर लाइन से आपने जोड़ रखा है। ठीक, आपसे पूछा है कि जो छोटा गियर है जिस पर आपके पास 25 टीथ हैं, ये कितने रेवोल्यूशन देगा, ये आपके पास कितने रेवोल्यूशन जो है वो देगा, कितने रेवोल्यूशन जो है वो देगा। आकाश बेटा ए आंसर कैसे करेक्ट होगा, उसका बियर होगा ना, डी करेक्ट होगा ना, ए कैसे करेक्ट होगा, आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, आपके पास हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल मेड बाय अ गियर ऑफ 25 टीथ फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ आर्म। मतलब इस आर्म को पूरा घूमने के लिए, मतलब ये आपके पास क्या है सर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक घूमने के लिए, पूरा एक चक्कर मारने के लिए, ठीक है, आपका गियर कितनी बार घूमेगा, आपके पास क्या बोला है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ आर्म, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ आर्म, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ आर्म, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ आर्म के लिए आपके पास क्या, आपके पास किस पर घूम रहा है, किस पर रोटेट कर रहा है, आपके पास रोटेट क्या कर रहा है, आपके पास रोटेट कर रहा है आपके पास क्या, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, ठीक है, नंबर ऑफ teeth on of pinion plus one, ठीक है, वन क्यों, आपके पास एक रेवोल्यूशन चाहिए, आपके पास क्या गियर टीथ पर आपके पास 100, यहाँ पर आपके पास कितने 25 प्लस आपके पास एक 25 चक्कू 100, तो आपके पास यहाँ से क्या गया 4 प्लस 1 दैट इज आपके पास क्या सर 5। मतलब आपके पास आर्म के एक रेवोल्यूशन के लिए, आपके पास क्या है बेटा, आर्म के एक रेवोल्यूशन के लिए, कि आर्म को पूरा 360 डिग्री रोटेट करने के लिए आपके पास इसकी जरूरत है, आपके पास जो है ये है जो गियर है, ठीक है, ये गियर आपके पास जो छोटा वाला गियर है ये 5 बार रोटेट करेगा, कितनी बार रोटेट करेगा, ये 5 बार आपका क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, ठीक है, 5 बार आपके पास क्या होगा बेटा, रोटेट कर जाएगा, बहुत अच्छा कास्ट। चलो अब ये स्क्रूवेबल गियर जो होते हैं, स्क्रूवेबल गियर जो आपके पास होते हैं, इनकी एक्सेस कैसी होती है, आपके पास नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग टीथ आपके पास कर्व्ड होते हैं, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग टीथ स्ट्रेट होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक, एंड टीथ आर कर्व्ड एंड ऑब्लिक, क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट एंड टीथ आर कर्व्ड एंड कैन बी ग्राउंडेड,
जल्दी से देखो भाई क्या करेक्ट हो जाएगा। इस वीक में मैं आपका टॉम भी खत्म करा दूंगा, इस वीक में मैं आपका टॉम भी खत्म करा दूंगा। नेक्स्ट वीक से जो है वो मशीन डिजाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक से मशीन डिजाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो बेटा यहां पर आपके पास क्या स्क्यू वेवल गियर, ठीक है स्क्यू वेवल गियर, ठीक यहां पर आपके पास क्या होगा, ठीक यहां पर आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या देखो यहां पर आपके पास देखो क्या नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग और टीथ कर्व, ये किसके लिए होता है, ये आपके पास किसके लिए होता है, ये आपके पास स्पाइरल गियर्स के लिए होता है, स्पाइरल गियर्स के लिए होता है, ठीक है आपके पास नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग और टीथ स्ट्रेट, ये किसके लिए होगा, ये आपके पास स्क्यू गियर्स के लिए होगा किसके लिए होगा, स्क्यू गियर्स के लिए होगा, ठीक अभी आपके पास ऑप्शन किसका दे रखा है, ऑप्शन सी इंटरसेक्ट एंड टीथ आर कर्व्ड एंड ऑब्लिक, यहां पर आपके पास ये किसके लिए होगा, आपके पास स्क्यू वेवल गियर के लिए होगा, स्क्यू बेवल गियर के लिए आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा यहाँ पर बस एक चीज थोड़ा सा आपके पास क्या है, आकाश इवनिंग में नहीं चलेगा अभी, कुछ मैंने तुमको बताया था कि थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाए 3-4 दिन में, ठीक है मतलब मंडे से कोशिश करूंगा कि मैं रिस्टार्ट कर लूँ, 2-3 दिन थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दे देते हैं तो, क्योंकि गला मेरा जो है वो पूरी तरीके से छिला हुआ है, कुछ भी पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ, इतना पेन हो रहा है, ठीक है तो थोड़ा सा क्या है थोड़ा सा सही हो जाने पर चला ज्यादा दिक्कत हो गई तो फिर मैं आगे क्लास बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, इस वजह से मैं क्लास अभी 2-3 दिन के लिए होल्ड किया हूँ, ठीक है 2-3 दिन के लिए होल्ड किया हूँ, उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट कर लूंगा। ये यहाँ पर क्या है बस एक चीज का थोड़ा सा डाउट है, ये क्वेश्चन एक्चुअली ऑप्शन गलत है, यहाँ पर टीथ जो है वो कर्व नहीं होते हैं, टीथ आपके पास कैसे होंगे, टीथ आपके पास स्ट्रेट होंगे, टीथ आपके पास स्ट्रेट होंगे, ठीक लेकिन यहाँ पर कर्व टीथ दिया है तो आप ऑप्शन सी पे जा सकते हो, एलिमिनेशन से ऑप्शन सी पे जा सकते हो, लेकिन आपके पास क्या होगा ऑप्शन सी एक्यूरेट नहीं है, ऑप्शन सी क्या है बेटा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि टीथ आपके पास स्ट्रेट आपके पास क्या होते हैं इसके होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। अब स्क्यू गियर और स्क्यू वेबल गियर में आपके पास क्या फर्क है, स्क्यू गियर्स आपके पास नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल है, लेकिन अगर स्क्यू वेबल गियर की बात करेगा तो आपके पास ये इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में आपके पास क्या है आएगा, स्क्यू वेबल गियर आपके पास इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के अंदर आपके पास आएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइटर गियर ठीक है जो भी बोलना चाहो, आर जनरली यूज फॉर स्पीड रिडक्शंस, मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट, मिनिमम बैकलैश, चेंज इन डायरेक्शन विदाउट अफेक्टिंग स्पीड, देखो बेटा माइटर गियर का वहां कहाँ पर यूज करते हैं, मीटर गियर जो है वो कहाँ पर यूज कर सकते हैं, आपके पास चेंज इन डायरेक्शन के लिए विदाउट अफेक्टिंग ऑफ स्पीड, आपके पास क्या होता है सर स्पेशल टाइप ऑफ वेवल गियर है, स्पेशल टाइप ऑफ वेवल गियर है, वेवल गियर जो आपके पास क्या है सर है, वेवल गियर आपके पास क्या है सर आपके पास है, यहाँ पर जो दोनों गियर होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं आपके पास 90 डिग्री पर मीट करते हैं, 90 डिग्री पर आपके पास क्या होते हैं सर इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन कहां पर करेंगे 90 डिग्री पर आपके पास करेंगे, 90 डिग्री पर क्या करते हैं इंटरसेक्शन आपके पास होता है, 90 डिग्री पर क्या होता है इंटरसेक्शन आपके पास 90 डिग्री पर होता है, यहां पर स्पीड कैसी रहती है लो स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको यूज करते हैं, लो स्पीड आपके पास क्या होती है सर आपके पास होती है बहुत ज्यादा, हाई स्पीड हम लोग क्या करते हैं सर नहीं रखते, ठीक चलिए। The gear ratio is defined as the gear ratio आपके पास क्या होता है, gear ratio आपके पास क्या होता है
गियर रेशियो आपके पास नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर टू द पिनियन या फिर पिनियन टू द गियर क्या होता है? जल्दी से बताओ। देखो गियर रेशियो जी टी बाय टी टी बाय टी आपके पास क्या होता है? स्मॉल टी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पिनियन टू द नंबर ऑफ गियर, नंबर ऑफ पिनियन टू द नंबर ऑफ गियर आपके पास क्या होता है सर? आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर आपके पास क्या दे दिया है सर? 200 mm, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ 20, सर्कुलर पिच बतानी है, सर्कुलर पिच बतानी है, ये कैसे करेक्ट होगा? अच्छा हाँ सॉरी, ऑप्शन ए टी बाई टी, ठीक है। ये आपके पास क्या सर? मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, ठीक, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, ठीक है। आज हिंदी में नहीं है बेटा, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज आप लोग कर लेना, थोड़ा सा मैनेज आप लोग कर लेना, ठीक, थोड़ा सा मैनेज आप लोग क्या कर लेना बेटा, कर लेना। यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है? पिच सर्कल डायमीटर आपको दे दिया, पीसी बताना। पीसी के लिए आपके पास क्या होता है? पीसी आपके पास क्या होता है? पीसी आपके पास होता है पाई डी बाई टी, वैल्यू रखो निकाल दो आंसर, वैल्यू रखो निकाल दो आंसर। गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और गियर से इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। आकाश बाबू बताओ क्या हो जाएगा? पाई डी कितना है? 200। ये कितना है? 20। ये कितना था? 20 दशमलव 10, 200, 20 दशमलव 200, ठीक है, 10। तो आपके पास 10 पाई का मतलब आपके पास क्या 10 × 3.14, मतलब आपके पास क्या 31.4 mm। ठीक है, ऑप्शन ए करें। स्टार पे स्टार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ टूथ फ्रॉम अ पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ is known as, आपके पास क्या बोल रहा है? रेडियल डिस्टेंस मतलब आपके पास ये पिच सर्कल है कोई या आपके पास आउटर सर्कल है कोई, ठीक है। आपके पास जैसे गियर है, गियर का एक टूथ बना लो, ये टूथ बन गया, ठीक, ये आउटर सर्कल है, ये आपके पास क्या कोई पिच सर्कल है, ठीक, ये आपके पास क्या है पिच सर्कल, ये आपके पास क्या है आउटर सर्कल है। तो ये आपके पास जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? ये आउटर सर्कल जो होता है इसको क्या बोलते हैं? एडेंडम सर्कल बोलते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, ठीक, ये जो डिस्टेंस है पर्टिकुलरली इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या सर? एडेंडम, एडेंडम। ये कैसी डिस्टेंस है? ये आपके पास रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस जो है वो आपके पास
ठीक है, रेडियल डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास है, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या है। चलिए तो अडेंडम आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब रिडंडम के लिए पूछेगा तो क्या, अब ये यहां से नीचे वाला जो सर्कल है ये क्या हो जाएगा आपके पास, डिडेंडम, डिडेंडम, ठीक है। नीचे वाला सर्कल कौन सा है, डीसी डिडेंडम सर्कल, ठीक है। यहीं पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर अगर हम लोग बात करें, एक हमारे पास क्या होता है, क्लियरेंस सर्कल होता है। डिडेंडम सर्कल को क्या बोलते हैं, रूट सर्कल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट सर्कल भी बोलते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज कुछ तबीयत नहीं सही है तो मैं बस एक दो चार क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी जो पार्ट रह जाएगा गियर वाला वो कल डिस्कस करेंगे, कैम कल गियर गियर ट्रेन कैम प्रोफाइल्स और आपका जो गियर के क्वेश्चन रह जाएंगे उनको कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक। दो तीन क्वेश्चन और देख लो, क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ गियर इज यूज्ड टू कनेक्ट द इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, कौन से गियर जो है, कौन से गियर जो है वो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को कनेक्ट करने के काम आते हैं, कौन से गियर जो है वो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को कनेक्ट करने के काम आते हैं। चलो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट जो है वो आपके पास क्या होगा, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में कौन सा आता है, हेलिकल कैसे आते हैं आपके पास, पैरेलल शाफ्ट, ठीक है, पैरेलल शाफ्ट इंक्लाइन टीथ, ठीक है, पैरेलल शाफ्ट इंक्लाइन टीथ, जी स्टार्क सर, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या है, पैरेलल शाफ्ट पैरेलल टीथ, इस पर गियर में पैरेलल टीथ, ठीक। वॉर्म एंड वॉर्म गियर में आपके पास हाई रिडक्शन रेशियो के लिए, अब बेवल गियर में आपके पास क्या होता है, यही आपके पास इंटरसेक्टिंग गियर्स होते हैं। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर। इसी को हम लोग एपिसाइक्लिक में भी यूज करते हैं, इसी को हम लोग डिफरेंशियल में भी यूज करते हैं, इसी का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या कह रहा है, द प्रोफाइल ऑफ गियर्स हैविंग अ मॉड्यूल, हैविंग अ मॉड्यूल कितना आपके पास 12 mm एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, क्या बोला, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट ये आपके पास कितना है, ये आपके पास 60 mm, ठीक। What is the contact ratio? What is the contact ratio? ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक, अब contact ratio के लिए क्या होता है, contact ratio को चलो मैं formula लिख देता हूँ, calculate करके बताओ। आपके पास क्या, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट 2 the circular pitch क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट आपको दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट आपको क्या दे रखा है, 60 डिवाइडेड बाय पाई डी बाय टी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 60 डिवाइडेड बाय पाई एम, डीवाईटी का मतलब मॉड्यूल, और ये दिया हुआ है आपको कितना, ये आपको दिया हुआ है 60 डिवाइडेड बाय पाई इनटू 5, यहां पर आपके पास क्या, 5 एकम 5 12 पंचे 60, तो यहां से आपके पास क्या, 12 डिवाइडेड बाय 3.14, ठीक, 12 डिवाइडेड बाय 3.14, सॉरी ये उल्टा कर दिया ना, यहाँ पे उल्टा कर दिया ना, 5 कैसे लिख दिया यहाँ पे, यहाँ तो 12 होना चाहिए ना, एक मिनट, ये 5 कैसे लिख दिया,
एक मिनट इसको देखो, पांच कैसे लिख दिया, 12 होगा ना, 60 पाई इंटू ये एम कितना दे रखा है, एम यहाँ पर 12 दे रखा है ना हमने, मैं यहाँ पे 5 लिख दिया था, यहाँ पर आपके पास क्या सर, ये आपके पास 5, तो आपके पास क्या सर 5 बाई पाई, ठीक है, तो 5 बाई पाई का मतलब आपके पास क्या 5.314, यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास क्या लगभग आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1.5 के आसपास आएगा, 1.5 के आसपास जो है वो आपके पास आएगा, 1.5 के आसपास आएगा, तो अप्रोक्सीमेशन से आप आंसर जो है वो लगा सकते हो, क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन से आंसर लगा सकते हो 1.6, 1.6 आपके पास क्या सर अप्रोक्सीमेशन से आंसर आप लगा लोगे, ऑप्शन ऑप्शन आपके पास सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपके पास सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द स्पीड रेशियो ऑफ गियर ट्रेन, स्पीड रेशियो ऑफ गियर ट्रेन, स्पीड रेशियो ऑफ गियर ट्रेन, स्पीड रेशियो की बात क्या है, स्पीड रेशियो आपके पास क्या होता है, स्पीड रेशियो मतलब आपके पास क्या बेटा n2 by n1, ये किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ द ड्राइवर टू द ड्रिवन, ऐसा होता है नहीं, n2 आपके पास ड्रिवन होता है, तो आपके पास ये गलत हो गया, ठीक, स्पीड ऑफ द ड्रिवन टू द ड्राइवर, ठीक, आपके पास ये होता है, ठीक सर, इसके ये स्पीड रेशियो किसके बराबर होता है, ये स्पीड रेशियो किसके बराबर आपके पास होता है, नंबर ऑफ टीथ टू द ड्राइवर टू द नंबर ऑफ टीथ टू द ड्रिवन, इसके बराबर होता है नहीं, क्या होता है आपके पास, अगर हम बात करते हैं आपके पास क्या, अगर हम लोग बात करते हैं आपके पास क्या होता है, ठीक, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपके पास क्या सर n2 by n1 लिख लो, ठीक, आप क्या लिखो, जनरली स्पीड रेशियो आप ऐसे लिखते हो n1 by n2, या फिर आप रेसिप्रोकेट कर दो n2 by n1 करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या सर, ये आपके पास क्या आ जाएगा सर, ये आपके पास क्या बन जाएगा सर, तो ये आपका 1 by स्पीड रेशियो हो जाएगा, 1 by स्पीड रेशियो हो जाएगा, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रेन वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं ट्रेन वैल्यू, इसी को क्या बोलेंगे ट्रेन वैल्यू, तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा t1 by t2, ये आपके पास क्या है सर, आपके पास ट्रेन वैल्यू के लिए है, ट्रेन वैल्यू के लिए है, अगर आप स्पीड रेशियो की बात करोगे तो स्पीड रेशियो का मतलब आपके पास क्या सर n1 by n2 का मतलब आपके पास क्या सर t2 by t1, तो आपके पास ये है t2 by t1, आपके पास कहाँ पर है t2 by t1, आपके पास कहाँ पर ऐसा कुछ है ऑप्शन में, नहीं है, यहाँ पर आपके पास क्या है नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर दे रखा है, ड्राइवर टू द ड्रिवन, ये तो आपके पास स्पीड रेशियो के लिए बोला ही दिया हुआ है स्टेटमेंट, तो आपके पास ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपके पास नंबर ऑफ टीथ किसके ड्रिवन के, मतलब जो चल रहा है, ठीक है, जो किसी हेल्प से चल रहा है, ये आपके पास क्या नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर, ठीक है, ये आपके पास इसके, सो ऑप्शन डी आपके पास क्या बेटा, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, चलो यहाँ क्या बोला है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू पिच सर्कल, ये आपके पास क्या है पिच सर्कल नंबर 1, ये आपके पास क्या है पिच सर्कल नंबर 2, ठीक, यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पिच पॉइंट बोलते हैं, यही आपके पास क्या है, इसको बोलते हैं पिच पॉइंट, तो ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा, डी ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या करेक्ट, ठीक है, 15 का डी, तो चलिए सेशन को फिलहाल यहीं पर समअप करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है, बाकी क्वेश्चन को कल डिस्कस कर लेंगे हम लोग, कल जो है इसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो सेशन में आप लोग बने रहिएगा, कल सुबह 11:30 बजे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास।